नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पापड़ के हनुमान जी के दर्शन करने लेकर के आया हूँ। पापड़ के हनुमान जी काफ़ी पुराना मंदिर है और हम लोग कई बार यहाँ आते हैं और यहाँ खाने पीने के लिए भी रसोइयाँ काफ़ी हैं और हम गोठ यहाँ मना सकते हैं। आप परिवार के साथ पूरा दिन यहाँ बिता सकते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर है और हनुमान जी काफ़ी ख्याति प्राप्त है। मैं भी चलता हूँ और आप भी चलिए दर्शन करने के लिए पापड़ के हनुमान जी। लेट्स मूव मेन गेट पापड़ के हनुमान जी का। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। छोटे गेट से एंट्री है आजकल। मंदिर परिसर आप देखिए, बड़ा ही सुंदर है और काफी बड़ा है। गोटों के लिए स्थान बने, आप यहाँ गोट वगैरह कर सकते हैं। रसोइयों की संख्या भी लिखी हुई है, आप सामने दिख रही होगी आपको। काफ़ी बड़े आयोजन ही होते हैं, कम से कम ये मान के चलिए 5,000 आदमियों का भी खाना हो सकता है यहाँ पे। मंदिर परिसर के अंदर हम अंदर के लगभग पहुँच रहे हैं हम लोग। निज निज रूप राम सब देखा को न जान कछु मन में शेषा भल रचना मुनि मने कुशल कहु राजा मन महान सुख लयो सब मंचन ते मंच के सुंदर विशद विशाल मुनि समय दो मंत्र बैठारे मई पाल सिया रामचंद्र शंकर हरिओ सिया राम और माला विचार गवना कर जाई भाई अस्पताल ऐसे पर वो प्रसन्न वाणी जे अम्य काम जे अभिमानी शिव जी का स्थान आपको सामने दिख रहा है। मैं आपको शिव जी का स्थान पहले दिखा के लाता हूँ। अम्बे माता की जय। तुलसी जी का पौधा मंदिर में लगा हुआ है, जो मंदिरों में लगा रहता है। यज्ञ वेदी जो होम होते हैं उस जगह आपको दिखा रहा हूँ। चिमटे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। पीछे ही पीपल का वृक्ष है, बहुत विशाल। श्री श्री 1008 श्री राम सेवक दास जी महाराज का आश्रम पापड़ के हनुमान। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप देखिए चारों तरफ कांच का काम हो रहा है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मंदिर परिसर में ही हनुमान जी के मंदिर के सामने ही ये
रामचंद्र जी का मंदिर बना है, ये भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है। देखिए मार्बल भी कितना अच्छा लगा है और ऊपर शीश महल का कार्य देखिए बहुत ही सुंदर। दीवारों पे भी आप कारीगरी देखिए कितनी सुंदर हो रही है, ये तोरण द्वार बना रखा है, कितना ही सुंदर तोरण द्वार है। कांच का कार्य देखिए आप कितना खूबसूरत है। झूमर देखिए आप कितना खूबसूरत झूमर है। मंदिर का कांच का काम देखिए आप कितना ही खूबसूरत काम है, ऐसा काम अब देखने को कहीं नहीं मिलता। मंदिर परिसर काफी ग्रीनरी से भरा हुआ है, बड़ा ही सुंदर व्यू उसका यहाँ से दिख रहा है। आप पूरा दिन यहाँ करके पास कर सकते हैं आराम से, पूरा दिन ग्रीनरी में। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? राजा रामदास, पुजारी राजा रामदास। अच्छा पुजारी जी राजा रामदास जी, हाँ मैं थोड़ा मंदिर के बारे में जानकारी चाहता हूँ। कब से बना, कौन महाराज हैं, क्या है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं मेरे को? ऐसा है कि आज 40 साल पहले से महाराज जी हैं श्री श्री 1008 श्री राम सेवकदास जी महात्यागी, वो यहाँ पर आए थे शुरू में 40 साल पहले। वो यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पर केवल छोटा सा मंदिर चबूतरा सा था। अच्छा चबूतरा, आगे फिर उन्होंने सारा विस्तार धीरे धीरे तपस्या की। उससे छोटा सा स्थान था, मतलब था हनुमान जी का स्थान। हनुमान जी पर कितना पुराना है, कुछ आइडिया है इसका? अभी तो 40 साल से तो महाराज है यहाँ पे राम सेवक दास जी। कहते हैं यहाँ पे पीछे भी कोई पापड़ गांव बसा हुआ था, आगे आगे पहाड़ों के बीच में वो पारिकों का कोई गांव था सुनते हैं, अभी भी है वो? हाँ मंदिर है, पुराना मंदिर का खाली शिखर बना हुआ है। अच्छा जा सकते हैं वहाँ देखने के लिए? कैसे जा सकते हैं? जाते हैं यहाँ से रास्ता है, इसके बाहर निकल करके रास्ता है। कितना दूर है यहाँ से? 3-4 किलोमीटर। तीन पड़ा पहले इसको कहते थे गोरिया का भगवान। अच्छा गोरिया का भगवान, अच्छा कहा जाता था पापड़ के हनुमान जी के लिए गोरिया का बोलते थे। पापड़ के सीमा पर था ये। अच्छा पापड़ गांव की सीमा पे था? पापड़ के गांव की सीमा। पापड़ का नाम मतलब पापड़ गांव था, गांव था पापड़, इसके कारण पड़ा। पापड़ के पेड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा वहाँ पे इसके कारण हुआ ये, ठीक है धन्यवाद साहब। छोटी छोटी पापड़ी आती है, हम लोग बंदर खाते हैं। अच्छा वो है पापड़ वो है साहब, धन्यवाद साहब, नमस्कार साहब। के बारे में आप क्या जानते हो मंदिर के बारे में? वहाँ पे एक झरना है और एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति। और ये कहाँ पे है? ये पीछे जो पहाड़ है। कौन सी जगह है, नाम बताइए उसका? पापा जी के हनुमान जी के मंदिर के पीछे पहाड़ है। अच्छा 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 अच्छा, उस पे पहाड़ है बहुत सारे। अच्छा पहाड़ है बहुत सारे, ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह। अच्छा ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह, आप जाते हो? अरे वाह, झरने में नहाने भी जाते हैं। अच्छा आप नहाते हो? अच्छा वाह, जो बारिश के दिन में रहता है। अच्छा 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 अच्छा, अगर वहाँ पे दो तीन मंदिर भी है। अच्छा अच्छा काय काय के मंदिर है? शिव जी का भी है एक, शिव जी का जो बहुत पुराना लगता है। अच्छा अच्छा, और उसके ऊपर जाएंगे ना। आप लोगों के क्या क्या नाम है? मेरा नाम है राधा खंडेलवाल। दोस्तों पापड़ के हनुमान जी का यह व्लॉग यहीं खत्म करके अगले व्लॉग पे जल्दी आपसे मिलने का वादा करता हूँ। आपका दोस्त आशीष पारिक आपसे विदा लेता है। नमस्कार, धन्यवाद।